मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे यू आर गोइंग टू स्टडी योर चैप्टर नंबर 4, क्लोथ्स वी वियर। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को हीट से, कोल्ड, विंड, रेन एंड डस्ट। ये हमें एक अच्छा अपीयरेंस देता है। जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम और अच्छे लगते हैं। दे मेक अस लुक स्मार्ट। इससे हम बहुत स्मार्ट लगते हैं और बहुत इनोसेंट अच्छे दिखते हैं। हम अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट सीजन्स में। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। अब डिफरेंट सीजन में कौन कौन से क्लोथ्स होते हैं? वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में लाइट कपड़े पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स के, राइट? सच क्लोथ्स कीप्स आर बॉडी कूल। और ऐसे क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। जब विंटर होती है, सर्दियाँ होती है, तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। मोटे वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? तो गर्म रखते हैं विंटर के टाइम। जब आपकी बारिश आती है, राइट? तब हम वाटरप्रूफ क्लोथ्स पहनते हैं। हम रेनकोट्स पहनते हैं ताकि हम सूखे रहे जब बाहर बारिश में जा रहे हो। हम गमबूट्स भी पहनते हैं और अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाते हैं रेनी सीजन के टाइम। ऑन स्पेशल ओकेजन, जब स्पेशल ओकेजन होता है जैसे कि पार्टीज, वेडिंग्स या फेस्टिवल्स, तो हम फैंसी और कलरफुल सिल्क क्लोथ्स पहनते हैं। सच क्लोथ्स आर ऑल्सो कॉल्ड पार्टी वियर्स। ऐसे क्लोथ्स पार्टी वियर्स क्लोथ्स भी कहलाते हैं। मटीरियल्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स, वो मटीरियल्स जिससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल आर यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग तरह के मटीरियल्स अलग तरह के कपड़े बनाने में यूज़ आते हैं, जैसे कि कॉटन थ्रेड्स जो आपको कॉटन से मिलती है। कॉटन कहाँ से मिल रही है आपको? कॉटन प्लांट से। सो कॉटन प्लांट्स में एक पॉड्स होते हैं इस तरह से, जिससे आपको कॉटन मिल रही है। कॉटन थ्रेड आर स्पून फ्रॉम द एंड इज वोवन इनटू क्लोथ्स। कॉटन थ्रेड को हम लेते हैं, उसे स्पून करते हैं और उसे कपड़े सिलते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस दी जाती है इन कपड़ों में। हमें वूल मिलती है शीप से। वूल इज़ शियर्ड, क्लीन एंड वॉश्ड व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट। इट इज़ स्पून एंड वोवन इनटू क्लोथ्स इन वुलन मिल्स। वुलन क्लोथ्स रिसिस्ट रिंकल्स। वुलन को, इसमें से पहले वूल को बाहर निकाला जाता है, देन उसे क्लीन करते हैं, फिर हम उसे वॉश करते हैं, फिर उसमें स्पूनिंग होती है, उसकी बुनाई होती है और हम कपड़े सिल लेते हैं वुलन मिल्स में। सो इसी से आपके वुलन क्लोथ से रिंकल फ्री क्लोथ बनते हैं। सिल्क वर्म, जहाँ से आप, सिल्क वर्म से आपको सिल्क मिलती है। सिल्क फाइबर्स आपको कोकोन से मिल रहे हैं, ठीक? इन सिल्क फाइबर को हम ब्यूटीफुल कलर में डाई करते हैं और इसे कपड़े सिल लेते हैं। सिल्क गारमेंट यूजुअली आपके वेट में हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। देन रबर ट्रीज प्रोवाइड अस रबर। रबर ट्री से आपको रबर मिलता है। शूज़, रेनकोट्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, व्हीकल टायर्स और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें इस रबर से बनती है। एनिमल्स लाइक शीप, कैटल, हॉर्सेस, डियर एंड गोट्स, ये आपको लेदर देती है, ठीक? सो लेदर को क्लीन किया जाता है और उसे सॉफ्ट बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक, आपके इससे क्या क्या बनता है? बैग्स, पर्सेस, शूज़, कोट्स और काफ़ी अलग चीज़ें बनाई जाती है। सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स से बनते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर। फिर आती है यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स वो स्पेशल क्लोथ्स होते हैं। मैनी पीपल नीड टू वियर यूनिफॉर्म्स व्हेन दे गो टू वर्क। वी कैन गेस द वर्क द पीपल डू बाय वर्किंग लुकिंग एट देयर यूनिफॉर्म्स। देखो, काफ़ी सारे लोगों को यूनिफॉर्म्स पहननी पड़ती है जब वो काम पे जाते हैं, राइट? सो जब वो पीपल को हम किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हम उन्हें देखकर पता कर सकते हैं कि ये इंसान कौन है। जैसे कि ये डॉक्टर है, ये विथ कैप नर्स, ये पुलिसमैन है, पायलट, लॉयर, फ्लाइट अटेंडेंट, फायरमैन, सोल्जर, बेकर, पियॉन, इन सब की एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है जिसको देख के, गेटअप देखोगे तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर पीपल ये है, इसकी ये पोस्ट है। चिल्ड्रंस वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं जब वो स्कूल जाते हैं। उनकी डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है समर के लिए और विंटर के लिए भी। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जैसे कि म्यूजिशियंस, एक्टर्स, उनको स्पेशल क्लोथ्स बनाए जाते हैं जो उनकी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इन इंडिया डिफरेंट स्टेट्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे पंजाब में ये पहनते हैं सलवार सूट, राजस्थान में ये ड्रेस होती है, नागालैंड में आपकी ये यूनिफॉर्म है। इस तरह से अलग स्टेट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स देखने को मिलेंगे। ड्रेस अप वेल।
वी लुक नाइस व्हेन वी वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स. हम अच्छे दिखते हैं जब आप अच्छे क्लीन कपड़े और प्रेस करे हुए कपड़े पहनोगे. सो कुछ रूल्स होती है कि आप अपने क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हो, वो देखो. आपको क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, आपको प्रेस करके अच्छे से वो कपड़े पहनने चाहिए. ईट केयरफुली टू अवॉइड फूड एंड ड्रिंक स्पिलिंग ऑन क्लोथ्स. आपको अच्छे से खाना ईट करना चाहिए ताकि आपका क्लोथ्स पर कोई भी फूड या फिर ड्रिंक स्पिल ना हो, नीचे ना गिरे. डर्टी क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड एंड ड्राइड प्रॉपरली. डर्टी क्लोथ्स को आपको टाइम से वॉश करना चाहिए और सुखा देना चाहिए. स्टोर क्लोथ्स नीटली इन योर कबर्ड. और कबर्ड में आपको ये कपड़े अच्छे से स्टोर करके अच्छे से जमा के रखने चाहिए. सो नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीट.